इस बीच एक और बड़ी खबर है। कोलकाता से आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ लगातार की जा रही है। संदीप घोष से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ हुई। कल सीबीआई की टीम ने संदीप घोष से तकरीबन 13 घंटे पूछताछ की। वारदात के समय अस्पताल के प्रिंसिपल थे संदीप घोष। देव मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार कनेक्टेड हैं ग्राउंड जीरो से। देव, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि संदीप घोष से जो पूछताछ हुई है, क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई है? क्योंकि ये जो विभत्स घटना हुई है, उसके बाद सवाल सिर्फ वहां के प्रशासन पर नहीं उठ रहा, कॉलेज पर उठ रहा है और इसके साथ ही समाज पर भी उठ रहा है कि ये जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं और कलकत्ता में, और फिर हमने देखा कि सीएम जो है ममता बनर्जी, वो खुद वहां पर धरने पर पहुंच जाती हैं, खुद मार्च निकालने लगती हैं। तो संदीप घोष ने क्या कुछ बातें कही है और जो आरोपी है उससे जुड़ी कोई बात ऐसी जो सामने आई हो? देखिए, ये जो रेप एंड मर्डर आरजी कौर कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ है, सिखा सिकर, सबसे बड़ा बात ये है, जैसे यहाँ की सीएम ममता बनर्जी प्रोटेस्ट खुद निकाली है, वो बताए थे कि जैसे 7 दिन के अंदर आरोपी को सजा दिलाने के लिए, लेकिन जब सीबीआई को केस हैंड ओवर हुआ, सीबीआई ने केस को टेक ओवर किए, तमाम इन्वेस्टिगेशन चालू है, कहीं ना कहीं मामले में और आरोपी शामिल है। उस दिन रात को जो जो ट्रेनी डॉक्टर्स मौजूद थे, जिनके साथ विक्टिम ने डीनर्स किए थे, सबको तमाम पूछताछ के लिए एक लिस्ट बनी है, जो 30 पीपल, जो 30 जन का मेंबर का लिस्ट बनी है, सबको पूछताछ सीबीआई करेगा। कहीं ना कोई एंगल से लग रहा है कि इस मामले में उस दिन जैसे विक्टिम के परिवार को फोन गया था ये एक सुसाइड है, फिर कुछ घंटों के बाद उनकी, जब रात 3 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक एक डॉक्टर ड्यूटी में है, कैसे उनको उनकी जरूरत नहीं पड़ी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है, जबकि एक ट्रेनी डॉक्टर ड्यूटी पे है लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ी, ये बड़ा सवाल से उस पिक्चर को क्लियर कर रहा है कि कहीं ना कहीं और सदस्य कॉलेज की और मेडिकल की इसमें इन्वॉल्व है। सो ये इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई हर कोई एंगल से, हर कोई कोने से जांच कर रही है। जैसे कलकत्ता पुलिस जब केस को हैंडओवर किए थे सीबीआई को, तमाम जो रिपोर्ट्स कलकत्ता पुलिस ने इकट्ठा किए थे, सारे रिपोर्ट्स को सीबीआई को हैंडओवर किए और उसी रिपोर्ट्स के ऊपर सीबीआई भी इन्वेस्टिगेशन चालू रखा है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आरोपी संजय रॉय को और एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को भी पूछताछ हो रहा है। संदीप घोष को तमाम 3 दिन से सीबीआई पूछताछ कर रहे हैं और उनके जवाबों से कहीं संतुष्ट मुताबत नहीं मिल रहा है बोल के सीबीआई तमाम कल जैसे 13 से 14 घंटा तक पूछताछ किए थे, आज भी सुबह 11 बजे से सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ जारी। ठीक है देव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए संदीप। मेरे पास समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका।